इस बच्ची का जन्म हुआ था उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था उसी दिन बिल पास हो गया था, भाई नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा। हमारे पास दो दो नागरिकता हुई, जितना इसी का मान सम्मान करेंगे इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे। हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ, हमें कोई नागरिक नहीं था, सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब भी हम ये कहना चाहते हैं भी पहले की तरह हमें आश्रय में मत रखना, हमें नागरिकता दीजिए और हमारे हाथ में आएगी जब हमें पूछिए, जैसे ये बिटिया हमारे हाथ में, इस तरह हमें नागरिकता भी दीजिए। आपने बताया कि किस तरह से आपने अपनी पोती का नाम आज से 4 साल पहले नागरिकता रखा था, जब बात चली थी कि नागरिकता जो है दी जाएगी शरणार्थियों को, क्या बोलना चाहेंगे अपनी पोती के बारे में? मैं इसके बारे में ये है तो मेरे को इस बच्ची का जन्म हुआ था उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था उसी दिन बिल पास हो गया था, भाई नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। क्यों तो इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह। हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा। इसी गुड़िया का नाम है नागरिकता, और वो नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास दो दो नागरिकता हुई, जितना इसी का मान सम्मान करेंगे इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे। हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ किस तरह से आप लोग देश में राम के नारे लगा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ था और आज जो है नागरिकता देने की बात हो रही है, कौन सा बड़ा दिन है हमारे लिए? दोनों दिन बराबर के लग रहे हैं, क्यों तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला, हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला, इंसाफ बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं करा। जय श्री राम का, जय श्री राम की, जय श्री राम। क्या नाम बताया आप अपना? मीरा जी। आप कहाँ से हैं? हम सिंध हैदराबाद से। इससे पहले आप कहाँ थे जब पुराना देश जो था आपको क्या था, कहाँ से थे? मतलब पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से। अच्छा, पाकिस्तान सिंध हैदराबाद जी। तो आप कुछ पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे, क्यों आप वहाँ से छोड़ के भागे, किस तरह की परेशानी जो हमारे को अभी भी यहाँ परेशानी हो रही है? आज उसी दिन नहीं थी, आज भी वही परेशानी झेल रहे हैं। हमारे वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा सीए बीए नहीं है, कोई वहाँ पुलिस में नौकरी नहीं है, हमारा कोई सरकार पे अधिकार नहीं है, तो वहाँ रहने का हमारा क्या हक है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम सारी महिलाएं अनपढ़ है, वहाँ अनपढ़ रह के जीने का कोई अधिकार नहीं था हमारा। Z News।